सरकार ने आज प्राइवेट बैंकों को बड़ी राहत दी है। अब सरकार प्राइवेट बैंकों के जरिए भी लेन देन करेंगे। जी हां, यानी कि आम लोगों को अब प्राइवेट बैंकों के जरिए भी पेंशन जैसी सुविधाएं मिल सकेंगी। बड़ी खबर है। पूरी खबर समझाने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रही हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या तैयारी है सरकार की और अब प्राइवेट बैंकों की भूमिका किस तरह से होगी गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस में? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी खबर है प्राइवेट बैंक्स के लिए। प्राइवेट सेक्टर के बैंक के ऊपर से अब सरकार ने जो एक एम्बार्गो रखा था, क्योंकि कुछ ही बैंक से जो परमिटेड थे इसके अंडर, जहां पर गवर्नमेंट रिलेटेड बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो सकते थे, अब वो हटा दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्सेशन से रिलेटेड, रेवेन्यू पेमेंट फैसिलिटी से लेकर पेंशन पेमेंट, स्मॉल स्कीम, सेविंग स्कीम, इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा पर अब प्राइवेट बैंक भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और ये एक बड़ी ओपन अप करता है सेक्टर के लिए और लोगों के लिए भी, खास करके बहुत अच्छी खबर है जो एक आम आदमी है, क्योंकि कस्टमर कन्वीनियंस यहाँ आप देख रहे हैं बढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात है सिस्टम में एफिशिएंसीज आएगी। टेक्नोलॉजी पर फोकस है, वो जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो प्राइवेट बैंक अगर टेक्नोलॉजी अपडेटेड अपग्रेड करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंट करेंगे, इनोवेट करेंगे बैंकिंग को, उन वो अब इक्वल पार्टनर्स बन पाएंगे इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में सरकार के साथ, और सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो सरकार यहाँ पर लॉन्च कर रही है। तो ये बेसिकली एम्बार्गो लिफ्ट करने का मतलब हुआ अब कोई भी बार नहीं है ऑन RBI फॉर ऑथराइजेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक फॉर गवर्नमेंट बिजनेस, जो कि एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बढ़िया बात हो गई प्राइवेट बैंक के लिए। ये एम्बार्गो हटाना मतलब कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना और कंज्यूमर के इंटरेस्ट पर ध्यान देना। जी शुक्रिया स्वाति इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आज प्राइवेट बैंकों के लिहाज से। और एक और बड़ी खबर जो आई है आज, वो आई है PLI के बढ़ते दायरे को लेकर। देश में लैपटॉप, टैबलेट और फार्मा सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए आज कैबिनेट ने PLI स्कीम को मंजूरी दे दी है। इससे देश में इनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टर मिलेगा। कैबिनेट ने टैबलेट और लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग में करीब 7,000 करोड़ के PLI को मंजूरी दे दी है, जबकि फार्मा सेक्टर के लिए 15,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव को मंजूरी दी गई है। दुनिया की कई दिग्गज कंपनियां PLI स्कीम का इंतजार कर रही थी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी चेतन भूटानी। चेतन, बताइए क्या सरकार का ये फैसला है और अब आगे इन सेक्टर्स में राह क्या दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपने दीपक जी एकदम सही बताया कि जो भी भारत सरकार ने आज दो हिस्टोरिकल PLI स्कीम्स अप्रूव करी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अप्रूव करी है, वो इनफैक्ट जी बिजनेस ने भी सुबह सुबह ब्रेक की थी खबर, तो लैपटॉप, मोबाइल, ऑल इन वन पर्सनल कंप्यूटर्स और सर्वर्स, ये चार प्रोडक्ट्स हैं जो एक ट्रायंगल फॉर्मुलेशन थी। भारत सरकार ने इनफैक्ट जून 2020 और फरवरी 2021 में ये एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टेलीकॉम सेक्टर के लिए, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अप्रूव करे। तो जिसका मतलब ये है कि पूरे तरीके से अब एक ट्रायंगल फॉर्मुलेशन से सारा एक कोने कोने से जोड़कर PLI स्कीम अब कुल मिला के अप्रूव कर देगा। ये 15,000 करोड़ रुपए जो फार्मा के लिए भी करी गई, वो भी बहुत अच्छी खबर फार्मा सेक्टर के लिए है, क्योंकि जो मेडिकल डिवाइसेस और बाकी जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडिया का फार्मा सेक्टर जो बहुत इश्यूज फेस करता था, उसके चलते काफी डिफिकल्टीज फ्रंटलाइन डॉक्टर्स और हिंदुस्तानी डायग्नोस्टिक कंपनीज और फार्मा कंपनीज को होती थी, अब वो घट जाएगी। अब हिंदुस्तान की जो मैन्युफैक्चरर्स है फार्मा के, उनको नेशनल चैंपियनशिप्स इनफैक्ट बनाने की भारत सरकार की योजना है। तो PLI की स्कीम दोनों सेक्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन इस तमाम जानकारी के लिए। आज निकलकर सामने आई है सरकार ने अब कोरोना वैक्सीनेशन में प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल करने का फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी गई है। इन्हें 1 मार्च से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार केंद्रों पर बुजुर्गों पर फ्री में वैक्सीन जो लगाने की योजना है इसके तहत है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहता है तो उसे पैसे देने होंगे। वैक्सीन की कीमत कितनी होगी इस बारे में सरकार जल्द फैसला लेगी। समीर दीक्षित मेरे सहयोगी इस पर खबर के साथ, जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। समीर, बताइए प्राइवेट हॉस्पिटल का पार्टिसिपेशन का दायरा क्या होगा? सीधा सीधा सवाल यह है कि क्या कीमत सरकारी तय करेगी? प्राइवेट अस्पताल तो तय नहीं करेंगे ना अभी।
नहीं बिल्कुल, अभी प्राइवेट हॉस्पिटल कीमत को लेकर के तय नहीं करेंगे, इसको लेकर के सरकार अगले 3 से 4 दिन में क्या कीमत होगी, अगर लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं तो वो कीमत अभी तय सरकार करेगी, लेकिन उससे पहले सरकार सभी निजी अस्पतालों से और खासकर जो वैक्सीन बना रहे हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर से भी बातचीत करके एक ऐसे दाम को तय करना चाहेगी जो अफोर्डेबल हो, ताकि कोरोना वैक्सीनेशन का जो दायरा है उसको ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया जा सके। आपको पता है कि पिछले करीब 10 दिनों में देश के 5 अहम राज्य हैं जहां से कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिससे सरकार चिंतित है। इसके साथ ही सरकार चाहती है कि कोरोना वैक्सीनेशन का जो दायरा है और स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए यह बड़ा फैसला लिया है, जहां पर 1 मार्च से देश में जो 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही 45 साल से ज्यादा लोग हैं जिनको कोई अन्य बीमारी नहीं है उनको भी कोरोना वैक्सीन लगाने की मंजूरी दे दी गई है। देश के 10,000 सरकारी केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने की सुविधा दी जाएगी जो निःशुल्क होगी, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर आप जाकर के वैक्सीन लगवाते हैं तो उसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे देने होंगे। वो पैसे कितने होंगे वैक्सीनेशन के लिए उसको सरकार अगले 2 से 3 दिन में। चलिए, तो दो बड़ी बातें हैं सनी, 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर भी अब आप वैक्सीन लगा सकते हैं 60 साल से उम्र के ज्यादा लोग, और कीमत क्या होगी ये सरकार अभी तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समीर इस तमाम जानकारी के लिए।